तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के शो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ आवास योजना की जो पहली किस्त जारी हुआ है उसके बारे में। हम आज के शो में पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले बात करें आपको इस चैनल पर जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं निकलती है या फिर जो भी योजनाएं से रिलेटेड अपडेट्स निकलती है, आपको सबसे पहले आपको चैनल पर मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके बगल में लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको आपको करके सब्सक्राइब कर लेना है, तभी जो भी वीडियो आप हम सब डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ आवास योजना की जो पहली किस्त जैसे कि आपको पता है तो जारी हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो आपके लिए है, आपको लास्ट तक बने रहना। छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर जो भिसेले जो हैं पर दिखते हैं, पीएम सरकार ने यहाँ पर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना की जो है कल के यहाँ पर कार्यक्रम मोर आवास मोर अधिकार के कार्यक्रम के दौरान रायपुर में जो कार्यक्रम रखा गया था उसके दौरान जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के जो छत्तीसगढ़ के लाभार्थी महिलाएं हैं उनकी आवास योजना की जो लाभार्थी है जिनके पात्रता में नाम था लिस्ट में जिनका 8 लाख लोगों के जो अधिक स्वीकृति जारी हुआ था उन लोगों का यहाँ पर पहली किस्त सरकार ने जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी हम आपसे रिलेटेड है उससे उसकी जहाँ पर किन किन का किस्त जारी हुआ है और कितना जारी हुआ है। कई लोगों का क्वेश्चन है कि 25,000 हुआ है कि 40,000, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर राज्य को दिया यानी कि उसका पहले यानी कि कल जो 17 था तो उसका जो है बर्थडे यानी कि जन्मदिन का तोहफा जारी की। और ग्रामीण आवास योजना की जो है जो ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत है जो पहली किस्त सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है कि जो पहली किस्त यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। पीएम ने यहाँ पर दिखते हैं कल के दौरे मोर यहाँ पर अधिकार मोर आवास योजना कार्यक्रम के दौरान कर रायपुर में तेलीबांधा स्टेडियम में यहाँ पर इंदौर स्टेडियम में दौरान कहा गया। छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर कहा है कि राज्य को यहाँ पर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर पीएम मोदी गारंटी के तहत योजना की पहली किस्त यानी कि आवास योजना की जो पहली किस्त है उन्होंने यहाँ पर जारी करते हुए कहा है। दोस्तों, आवास योजना की जो पहली किस्त छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जन्मदिन के तोहफे पर अपने उस मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आज के यहाँ पर दिन यानी कि जो अपडेट्स कल के निकल के आए उसका दिन यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है पहली किस्त सरकार ने इस राज्यों के करीब यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की 5.11 मतलब 5,11,000 लोगों को तोहफा दिया यानी कि उनका जो पहली किस्त सरकार यहाँ पर जारी कर दिया है। 5,11,000 लोगों का जो सरकार ने 25,000 यानी कि जो पहली किस्त है उन्होंने यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर पहली किस्त सरकार की तरफ से खाते में लाभार्थी जिन्होंने पात्र लिस्ट में नाम था उनके खाते में पहली किस्त सरकार ने भेज दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 17 सितंबर को यहाँ पर 74 यानी कि जो उसका 74 साल कंप्लीट यानी कि पूरे हो गए उसके शुभ अवसर पर अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। पूरी अपडेट आपको मिलेगा। तो जैसे 17 सितंबर को उसका टोटल यहाँ पर उम्र हो गया है 74 साल हो गए हैं मोदी हमारे पीएम जो हैं वर्तमान में उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम ने यहाँ पर कहते हुए है बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो भी लाभार्थी हैं जो भी आवासहीन हैं जिनके पास आवास नहीं है दोस्तों उनके लिए यहाँ पर जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया है जिनके वजह से करीब 5,11,000 लोगों जैसे कि हमने पहले की आपको बता दी 5,11,000 लाभार्थी के खाते में न सिर्फ उनके छत में नसीब होगी बल्कि गाँव में रहने वाली आबादी जीवन स्तर सुधरेगा और आज से आर्थिक स्थिति पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर घर रहेगा तभी आपका आर्थिक स्थिति ठीक होगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 5,11,000 लोगों के खाते में पहली किस्त सरकार ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है पीएम आवास योजना मंगलवार को जो कि कल था मंगलवार। अपडेट्स आपको चैनल पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो पहली किस्त सरकार यहाँ पर जारी कर दिया है। पहली किस्त सरकार 5,11,000 हितग्राही के खाते में जो भी लाभार्थी के खाते में सरकार यहाँ पर पहली किस्त जारी कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर आवास मोर अधिकार यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आवास मेरा अधिकार है इसको योजना के कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना के दौरान जिसके तहत घरों के निर्माण के लिए यानी कि आवासहीन है उनके वो आवास देने के लिए निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में आपको अमाउंट भी देख सकते हैं टोटल 2044 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जिसका फायदा 5,11,000
कुल लाभार्थी को खाते में मिलेगा। उनके खाते में सरकार ने उनके खाते में पहली किस्त ट्रांसफर कर दी 2044 करोड़ रुपये। छत्तीसगढ़ में जो निवासी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके किस्त में लिस्ट में अगर नाम रहा होगा तो आपको बिल्कुल किस्त आपको मिला होगा। आपको चेक करना है, आपको जाकर किसी CSC सेंटर या फिर लोक सेवा में कि आप चेक करिए आपका कहाँ का खाता है। DBT लिंक होगा तो आप चेक करिए, बिल्कुल जाकर आपके खाते में आ गया होगा। तो मोर आवास मोर अधिकार के बारे में छत्तीसगढ़ इस योजना के अंतर्गत जो भी मोर आवास मोर अधिकार के जो कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर पहली किस्त आवास योजना के जारी किया है, यानी कि मोर आवास मोर अधिकार, यानी कि इसके यहाँ पर मेरा घर मेरा अधिकार है, इसको यहाँ पर टैगलाइन की तैयारी की। PM ने रायपुर के बूढ़ा तालाब क्षेत्र यानी कि कल के दौरान PM सरकार ने 17 सितंबर को बूढ़ा तालाब यानी कि जो रायपुर में क्षेत्र में स्थित है वहाँ पर जिसका स्टेडियम का नाम है यहाँ पर इंदौर स्टेडियम में यहाँ पर जो आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार ने यहाँ पर बूढ़ा तालाब क्षेत्र में इंदौर स्टेडियम में सरकार रायपुर के दौरान जो कार्यक्रम रखा गया था उसके यहाँ पर जो PM सरकार वहाँ से पहली किस्त वहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर लाभार्थी के खाते में पहली किस्त सरकार यहाँ पर शामिल होते हुए उन्हें बड़ा तोहफा दिया। जिसके साथ साथ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का CM मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी शामिल थे, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मुख्यमंत्री यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य अधिक यहाँ पर जो विधायक से अन्य यहाँ पर अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे दोस्तों। तो उसके दौरान यहाँ पर सरकार ने पहली किस्त यहाँ पर जारी कर दिया है। रायपुर में जो स्थित है उसके लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर जारी किया है पहली किस्त मोर अधिकार यहाँ पर मोर आवास के छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसके दौरान यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिस 17 तारीख को पहली किस्त आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त जारी कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना की। जो अगर आपको भी नहीं मिला होगा, आपके लिस्ट में नाम था, पात्रता में नाम था, हमारे चैनल पर पहले से आप बने होंगे, तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 5,11,000 हिंदुओं के खाते में 2044 करोड़ रुपये सरकार ने पहली किस्त जारी कर दिया है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी आपको अपडेट्स मिलेगा। पहले हम कब से कह रहे हैं कि किस्त जल्दी ही जारी होगा। तो दोस्तों जैसे कि 15 यानी कि 17 सितंबर को मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान सरकार यहां पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम रखा गया था, उसके दौरान सरकार ने 2044 करोड़ रुपए DPT के माध्यम से यहां पर डायरेक्ट आपके खाते में यानी कि जो लाभार्थी लिस्ट में नाम होगा उसका मुखिया होगा उसके खाते में सरकार यहां पर पहली किस्त छत्तीसगढ़ में जो कि निवासी करने हैं लाभार्थी 2044 करोड़ रुपये सरकार यहाँ पर अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है पहली किस्त जारी किया है। तो दोस्तों आवास के साथ साथ कई सारी बड़ी योजनाएं की है सरकार ने, तो आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ पर सरकार की तरफ से अपडेट्स निकली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। PM आवास योजना के तहत यहाँ पर किस्त जारी हो चुका है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 5,11,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त डाल दिया है। PM सरकार ने यहाँ पर जैसे PM किसान सम्मान निधि 18 किस्तों को लेकर फिर चर्चा किया है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको बने रहना, आप हमारे चैनल पर अपडेट के साथ आपको मिलते हैं किसी वीडियो में।